तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यस बैंक के ऊपर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, साथ ही मैं इस वीडियो को बताना चाहूँगा, इसके टारगेट्स डिस्कस होंगे इस वीडियो के अंदर, और पता चलेगा आने वाले टाइम में अच्छे मूवमेंट्स रहेंगे या बुरे मूवमेंट। तो पहले कहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, तो पहले जाके जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पिछले 5 दिन की, तो 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 7.25% गिरावट रही है स्टॉक के अंदर, और लगभग रिजल्ट्स आने के बाद इसमें गिरावट ही बना रहा सिलसिला। महीने भर की बात करूँ तो यहाँ रिजल्ट्स आने के बाद खुशखबरी मिली थी, आप देख सकते हैं लगभग 3-4% चढ़ने के बावजूद भी इसके अंदर फिर गिरावट बनी रही। 6 महीने की बात करूँ 21%, और बात करूँ 5 साल की, तो अगर मैं बात करूँ जो इसने स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि और गिरेगा, आपको बेच देने चाहिए, तो मेरा कहना यही है कि जो स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए हैं, जो भी न्यूज़ आई थी कुछ पहले, इसका क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, उसके तहत मुझे लगता है अभी भी यस बैंक के अंदर बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छे मूवमेंट देगा। अगर बात करूँ इसके कुछ न्यूज़, जैसे मैंने कहा था यस बैंक ग्रेपल विथ लीगेसी, अगर आगे पढ़ के सुनाऊँ आपको, लीगेसी इशू फॉर फाउंडर, तो सिंस राणा कपूर जिनके फाउंडर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यस बैंक सर्वर दीज लार्ज एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैव सोल्ड। तो जो बात करें इसके ऊपर, खूब सारा लोन है अभी भी यस बैंक के ऊपर। 2 ईयर आफ्टर राणा कपूर एग्जिट, यस बैंक कंटिन्यू टू ग्रेपल विद द लेगेसी ऑफ इट्स फाउंडर, अ पैथलोर ऑफ लोन्स गिव आउट टू एग्लिड क्विक प्रो क्यू वेयर द बैंक बाईपास्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चेक्स। तो बात करें तो खूब सारे जो राणा कपूर जी करके गए थे, आपको सबको पता है क्या क्या करके गए थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता। तो उसके चक्कर में यस बैंक ने कमबैक करने की कोशिश की, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है इस स्टॉक के सामने। साथ में अगर बात करूँ इस स्टॉक के लिए, जो इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए थे, जो चौंका देने वाले रिजल्ट थे, उस चक्कर में ग्रोथ अच्छी खासी हुई स्टॉक की, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने की कोशिश की स्टॉक के अंदर। और अगर बात करूँ इसके फाइनेंशियल की, तो आपको पहले रिजल्ट्स के ऊपर ही ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा उछाला है नेट इनकम के अंदर, इस वजह से इसके अंदर थोड़ी अच्छी बात है। सितंबर की बात करूँ तो गिरावट रही है बाकी वो स्टॉक्स में भी, लेकिन दिसंबर का जो रिजल्ट आया वो बहुत रही ना आया, मार्च वाले में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन अगर जून की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत अच्छा कमबैक आया। इस वजह से हम मान सकते हैं जून वाले में जो कमबैक आया वो एक बहुत अच्छी बात है, जून वाले में इतना बढ़िया स्टॉक ने कमबैक किया। और अगर बात करूँ जून मार्च में इतने बढ़िया करने के बाद, अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी और के साथ, अभी प्रशांत कुमार इसके सीईओ है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।